हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हेन 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वर पुट इनटू अ 10 लीटर फ्लास्क एंड हीटेड टू 800 डिग्रीज, 35% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेंड अनरिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट द केपी फॉर डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस सवाल को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है, जो आपको अप्लाई करना है, वो है केपी, यानी कि इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब सबसे पहले हमेशा गिवन डेटा लिख लेना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। सो द गिवन डेटा इज, यू हैव अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज 10 लीटर, टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन हो रहा है इज 800 डिग्री सेल्सियस, ऑल्सो रिएक्टेड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि वो क्या है, 35% रिमेंड अनरिएक्टेड, तो यानी कि रिएक्ट कितना हुआ होगा, 100 माइनस 35, यानी कि 65% CaCO3 रिएक्ट कर गया। नाउ लेट्स सी CaCO3 रिएक्ट करा कैसे। सो CaCO3 सॉलिड फॉर्म में होता है, ये डीकम्पोज करता है कैल्शियम ऑक्साइड में, जो कि फिर से सॉलिड होता है, एंड CO2 गैस में। अब ये कह रहा है कि 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 लीटर फ्लास्क में डाला था और 35% अनरिएक्ट करा, यानी कि 65% रिएक्ट कर गया। सो लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट। इट विल बी 65% ऑफ 20 ग्राम्स, यानी कि 13 ग्राम्स। नाउ दैट मीन्स, अब हम मोल्स में डील करते हैं। सो मोल्स ऑफ रिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट 13 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज इक्वल टू 100, यानी कि 0.13 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर गए। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने बने, 0.13 मोल्स ही बने। तो ऑल्सो वो कह रहा है कि कैलकुलेट द केपी फॉर डीकम्पोजिशन, यानी कि आपको इक्विलिब्रियम पे प्रेशर निकालना है। पर इस रिएक्शन फ्लास्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक तो हम एक रिएक्शन फ्लास्क है आपके पास जिसमें सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड ही कैल्शियम ऑक्साइड है और गैसियस CO2 है। तो क्योंकि सॉलिड्स का हम प्रेशर नहीं काउंट करते हैं, सिर्फ गैसीय स्पीशीज का काउंट करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम पे प्रेशर, कंप्लीट प्रेशर विल बी बिकॉज ऑफ CO2 ओनली। तो इसलिए हमको सिर्फ CO2 के मोल्स में डील करना है। अब नेक्स्ट, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन विच इज PV इज इक्वल टू nRT, जहां पे प्रेशर P होता है प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, n इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ CO2 इन द रिएक्शन फ्लास्क। हाउ? सो पी इज इक्वल टू nRT बाय वॉल्यूम। लेट्स पुट दीज वैल्यूज, एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी जस्ट कैलकुलेटेड 0.13, आर यानी कि गैस कॉन्स्टेंट विल बी 0.082, टेम्परेचर इज, सिंस द रिएक्शन इज हैपनिंग एट 800 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको 273 से ऐड कर देंगे, अपॉन वॉल्यूम हमको दिया हुआ था 10 लीटर। सो द रिजल्टिंग प्रेशर विल बी 1,480 एम। देयरफॉर द इक्विलिब्रियम प्रेशर और केपी विच विल बी ड्यू टू CO2 इज 1,480 एम। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।